नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न जीके में। फ्रेंड्स, डेली के करंट अफेयर जीके में आज हम 22 जून के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स 22 जून के करेंट अफेयर को पढ़ते हैं। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 22 जून के करंट अफेयर को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD क्षमता वाले विलवीनीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? यह दहेज गुजरात में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD क्षमता वाले विलवीनीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो और टेक्सन की संयुक्त उद्यम कंपनी ने किया है। इस संयंत्र के माध्यम से गुजरात के दहेज में 100 MLD उपचारित समुद्र जल पहुंचाया जाएगा। टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं फ्रेंड्स। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह लेह लद्दाख में किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्टार्ट ग्रिड नेशनल सेंटर और इन्वर्मेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मानेसर हरियाणा में किया है फ्रेंड्स, मानेसर हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑप्टिकल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? यह गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निर्मल श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है? तो यह शुरू की है हरदीप सिंह पुरी ने, जो केंद्रीय आवास और प्रौद्योगिकी गैस मंत्री है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, निपुण नेशनल इनिट्यूब फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्मल वर्कर है। केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभियान परियोजना शुरू की है। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 1,00,000 से अधिक श्रमिकों को एक कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण करना है, जिससे उन्हें विदेशों में काम कर के अवसर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, Formula 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? दिया मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के हैं, इन्होंने ही जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने Formula 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। यह 2022 Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 9वां दौर का संस्करण है। इसका आयोजन स्थल कनाडा में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज
अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वेरस्टैपेन रेडबुल नीदरलैंड ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेकर फेरिर मोनाको ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सार्जियो और पेरेज रेडबुक मेक्सिको ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर फेरिन मोनाको ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 21 जून को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य योगाभ्यास के प्रति जागरूकता करना। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया था। वर्ष 2022 की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। पिछले टॉप 5 दिवस को देख लेते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 13 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया था। विश्व पार्थिवस्था दिवस 2022 9 जून को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर के बैठक कहां आयोजित हुई? तो यह नई दिल्ली भारत में हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर के बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर, जो केंद्रीय विदेश मंत्री है, इन्होंने की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, योग के विकास और संदर्भन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है। यह प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने योग के प्रचार और विकास के माध्यम से निरंतर समय अवधि के लिए समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वागारी विमथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसने जीता है? यह सेसिल नद जेवेट ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित वीटली गोल्डन पुरस्कार 2022 यह चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुकुन ने जीता है। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किशोर कुमार दास ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, पिंक लेडी ए फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो यह देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की ये अध्यक्षता की है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता
उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया है। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारतीय संविधान अन कही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को राम बहादुर राय ने लिखा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, यह पुस्तक विनीत कार्निक ने लिखा है। हाउ चाइना सी इंडिया द वर्ल्ड, यह पुस्तक श्याम शरण ने लिखा है। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर्स हाउ इन्फ्लुएंस इंडिया एज पॉलिसी, रशीद किदवई ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, लिस्टन टू योर हेड द लंडन एडिवेंटन, ये लिखा है रस्किन बॉर्ड ने। ए प्लेस सेलेक्टेड होम, ये लिखे हैं प्रीति सेनयानी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एयरोस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी धातु 3D को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास, जो कि जोधपुर में है, इन्होंने ही विकसित किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एयरोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी रूप से एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है। यह प्रिंटर डायरेक्ट डिपोजिशन तकनीक पर आधारित है। इस प्रिंटर का मुख्य उद्देश्य मेटल 3D प्रिंटर की लागत को कम करना और व्यापक श्रेणी के उपभोक्ताओं को आकर्षित करना है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुपर कम्युनिटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किसी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? तो यह IIT मद्रास ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, फसलों को बैक्टीरिया और फंगस बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेड नॉन पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? यह IIT कानपुर ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासू 95 को किस संस्थान के सफल परीक्षण किया है? या IIT मद्रास ने सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में क्रांतिकारियों की एक गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में राज्य भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन किया है। यह गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश काल के 13 बंकरों के भूमिगत नेटवर्क में सामने आई है, जिसे अगस्त 2016 में तत्कालीन राज्यपाल सी ए विद्यासागर राव के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा परिसर में खोजा गया था। इस गैलरी में स्वतंत्रता सेनानी नायकों
की मूर्ति, दुर्लभ तस्वीरें, आदिवासी क्रांतिकारी के विवरण दर्शाए गए हैं। 22 जून के कुछ अन्य करंट अफेयर को देख लेते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ता ने चुंबकीय क्षेत्र की तस्वीर लेने के लिए क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है? तो आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर ने किया है। विद्युत उपकरण कंपनी ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के नई एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रीति बजाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित खुबसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो यह मंगोलिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत उत्सव दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की पूर्व क्षेत्र शाख में नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर 840 स्क्वाइडर LHMK-3 को शामिल किया है। इस विमान का निर्माण किस कंपनी ने किया है? यह हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने विकसित किया है। आज के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट करंट अफेयर था, औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 एमएलडी क्षमता वाले विलवनीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह दहेज गुजरात में किया है। निर्माण श्रमिकों के कौशल और बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है? यह हरदीप सिंह पुरी ने की है। केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन था, फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? यह मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने जीता। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया 2022 का? यह 21 जून को मनाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के साथ में दौर के बैठक का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। योग के विकास और संदर्भन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार आर से किसे सम्मानित किया गया? या मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स जो ब्राजील के हैं, और भिक्षुक सनसोसेन ले लद्दाख, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड, ब्रिटिश विल ऑफ योग संगठन यूनाइटेड किंगडम के हैं। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह जो गृह मंत्री है इन्हीं के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भारतीय संविधान अनकही नामक पुस्तक विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो राम बहादुर राय ने लिखा। एयरफोर्स रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी की गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ता ने चुंबकीय क्षेत्र की तस्वीर लेने के लिए क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है? तो आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर ने किया है। विद्युत उपकरण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ कौन बने? तो प्रीति बजाज बने। किस देश में स्थित खुशबूगल झील राष्ट्रीय को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो मंगोलिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत उत्कर्ष दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया है। भारतीय तट
रक्षा बल की पूर्वी क्षेत्र शाखा में नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर 840 स्क्वाइडर्स ALH MK3 को शामिल किया गया है। इस विमान का निर्माण कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। डेली के स्टैटिक जीके में आज स्टैटिक जीके को देखते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को और राजा की उपाधि दी। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना होता है। संविधान के 21 संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। रूसी संविधान के 21 संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 21 से घटाकर 18 42 में संसद 21 से हटाकर 18 ये कर दी गई 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा? तो महाकवि कालिदास ने लिखा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 19 को के तहत भारत में स्वतंत्रता दी गई है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।